आज हम बात करेंगे मुद्रा परिवर्तन के बाद की स्थिति पर। आप और हम सभी देख रहे हैं, मुद्रा परिवर्तन के बाद एक दिन बैंक बंद रहे और दो दिन एटीएम। पिछले दो दिनों में यह नज़र आया कि यदि सड़क पर कहीं भी जाम है तो उसका कारण उस सड़क पर एक या अनेक बैंक हैं। प्रत्येक बैंक के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोगों की कार व स्कूटर सड़कें घेरे हुए हैं और सड़क पर वाहन चलने की जगह नहीं बची। कारण, सारा देश पैसे जमा कराने या बदलवाने में लगा हुआ है, और वो करे भी क्या। मान्य करेंसी के अभाव में सभी की दिनचर्या ही रुक गई है। ना आप दूध ब्रेड खरीद सकते हैं, ना मेट्रो ऑटो टैक्सी में सफ़र कर सकते हैं, ना घर व बच्चों की आवश्यकता का कोई सामान खरीद सकते। लगता है मुद्रा परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के सभी पहलुओं पर सरकार के अफसर उचित ध्यान नहीं दे पाए। जिस रफ्तार से मुद्रा परिवर्तन हो रहा है और एटीएम अपनी कैपेसिटी से काम नहीं कर पा रहे हैं, उससे लगता है ये समस्या 31 दिसंबर तक भी सामान्य नहीं हो पाएगी। मैं समझता हूँ मुद्रा परिवर्तन द्वारा सरकार का लक्ष्य केवल ब्लैक मनी को बाहर कराना होना चाहिए था, न कि साधारण जनता को कठिनाई में डालने का। ये नियम बनाया गया कि आप एक बार में 4,000 रुपये परिवर्तित करा सकते हैं और एक बार में 10,000 रुपये बैंक से निकाल सकते हैं, लेकिन यही एक कार्य करने में एक व्यक्ति का पूरा दिन व्यर्थ जा रहा है और पूरा परिवार सभी कार्य छोड़ इसी भागदौड़ में लगा है, फिर भी उसको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। सरकार को चाहिए था कि 2,000 या 5,000 के खुदरा लेन देन के लिए पुराने नोट मान्य रखे जाते। इससे रोजमर्रा के काम एकदम नहीं रुक जाते। सरकार चाहे तो यह व्यवस्था अब भी दे सकती है। मैं नहीं समझता कि 2-5 हज़ार के लेन देन से कोई बहुत बड़ी ब्लैक मनी परिवर्तित करा लेगा। साथ ही जिस प्रकार सरकारी अस्पताल, मेडिकल स्टोर, रेलवे स्टेशन आदि पर पुरानी करेंसी की छूट दी गई है, यह सभी सरकारी संस्थानों व प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ब्लड बैंक आदि में भी दी जानी चाहिए थी। जिस प्रकार पैसे निकालने की सीमा 4,000 निश्चित की गई है, उसी प्रकार जमा कराने की भी अधिकतम सीमा 2.5 या 5 लाख रुपये प्रतिदिन होनी चाहिए थी। पता चला कि एक व्यक्ति 40 लाख व दूसरा 70 लाख रुपये लेकर बैंक पहुंच गया। उस स्थिति में बैंक कर्मचारी क्या करे? क्या वह लाइन में खड़े 50 व्यक्तियों को इंतजार करने दे और एक व्यक्ति का 70 लाख रुपया गिने, जिसे गिनने में वह नकली नोट निकालने में लगभग 1 घंटे का समय उसे लग जाएगा। 4,000 परिवर्तन के लिए जो डिक्लेरेशन फॉर्म बनाया गया, वह भी उस कार्य में विघ्न पैदा कर रहा है और देरी का कारण बन रहा है। मेरी दृष्टि में लाइन में लगे 4,000 रुपये लोग जो परिवर्तित करा रहे हैं, वो ब्लैक मनी होल्डर नहीं है। अभी भी समय है, सरकार को चाहिए कि लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी करें, लोगों को परेशानियाँ कम हो सके। अंत में एक और सुझाव देना चाहूँगा कि जो लोग अत्यधिक ब्लैक मनी से ग्रस्त हैं, वो उनके लिए सरकार एक गुप्तदान अकाउंट बैंक में खोल दे, जिसमें वो बिना अपनी डिटेल दिए पैसा जमा करा सकें और सरकार यह पैसा शुभ कार्यों में लगा सकें।